दसवीं के बाद विषयों का चुनाव, ये एक स्टूडेंट के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। ये वो पॉइंट होता है जिसमें फैसला सही लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो उसके आने वाले जो स्टूडेंट लाइफ है वो तो प्रभावित होगी होगी, उसका करियर बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। ये गलत फैसला जो है उसके करियर को एक एवरेज करियर बना के रख सकता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चे से उसका चुनाव पूछते हैं, लेकिन बच्चे के पास कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो होता नहीं है कि अपनी अफिनिटी को जज कर पाए या अपना सही चुनाव कर पाए। कई बच्चे अपने पीयर प्रेशर में आके, अपने आसपास वालों को देख के या किसी ऐसी फैंटेसी माहौल को देख के अपना फैसला ले लेते हैं, और उससे क्या होता है कि गलत चुनाव होने पर बच्चे स्ट्रेस एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, कई लाइन चेंज कर लेते हैं, कईयों के जीवन में जो स्टूडेंट लाइफ के साल होते हैं वो खराब हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक गलत फैसला लेने की वजह से, या बच्चा उसको गलत फैसला लेके उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट तो हो जाता है लेकिन एक अच्छा प्रोफेशनल नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी की सहायता से बहुत खूबी से डिसाइड कर सकते हैं कि बर्थ चार्ट क्या कह रहा है। बर्थ चार्ट के अनुसार अगर सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया जाए तो यकीन मानिए बच्चा ना केवल पढ़ाई को बहुत अच्छे से करेगा बल्कि एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल भी बनेगा। आज के वीडियो में मैं कुछ मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में, कुछ मेजर ग्रहों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि किस तरह से ग्रहों की भाषा को जान के हम बच्चे की सब्जेक्ट सिलेक्शन में सहायता कर सकते हैं, और अगर ये चीज़ें बच्चे की अफिनिटी से मैच कर जाती हैं तो फिर सोने पे सुहागा। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन में हम सबसे पहले बात करते हैं साइंस की, विज्ञान की। साइंस में स्टूडेंट या तो इंजीनियरिंग साइड पर जाएंगे या वो जाएंगे मेडिकल साइड में। हालांकि इन दोनों में आगे जाके बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती हैं, लेकिन क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बेसिक सब्जेक्ट सिलेक्शन की, तो जिन भी बच्चों के बर्थ चार्ट में सूरज स्ट्रांग होंगे, केवल और केवल वही लोग साइंस को सिलेक्ट करें। जिनके सूरज स्ट्रांग नहीं होंगे वो साइंस के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। सूरज किस तरह से कमज़ोर होते हैं, सूरज और राहु की डिग्रीज बहुत क्लोज हों तो सूरज बहुत कमज़ोर माने जाते हैं, सूरज शनि के साथ बहुत क्लोजर डिग्री पे हो तो भी सूरज जो है बहुत वीक माने जाते हैं। सूरज की ऐसी पोजीशंस अगर बर्थ चार्ट में हो तो सबसे पहले तो बच्चे को साइंस लेने से आपको रोकना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे साइंस पढ़ तो जाएंगे लेकिन साइंस वालों की तरह सोच नहीं पाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि ये साइंस की डिग्री के साथ एक बहुत ही एवरेज प्रोफेशनल बन के रह जाएंगे, अपने साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, साइंस में आगे जाके बच्चे को इंजीनियरिंग लेनी चाहिए या बच्चे को मेडिकल लेना चाहिए। जिन भी बच्चों के आगे बर्थ चार्ट में शनि बहुत स्ट्रांग होंगे ना, वो इंजीनियर हैं। शनि वो चतुराई देते हैं, वो इंसान को रिसर्च करने की कला देते हैं जो एक इंजीनियर का माइंडसेट होता है। इंजीनियर क्या करता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। इंजीनियर चाहे किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, एरोनॉटिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सिविल इंजीनियर हो, कोई भी हो, इंजीनियर के ब्रेन में रिसर्च वाला एलिमेंट होना चाहिए, इंजीनियर के ब्रेन में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला एलिमेंट होना चाहिए। ये सारे एलिमेंट जो हैं एक बड़े स्ट्रॉन्ग शनि देते हैं। तो बर्थ चार्ट में अगर शनि अच्छे होंगे, शनि किसी दुश्मन के साथ नहीं बैठे होंगे, चाहे किसी भी घर में बैठे हों, तो ये बच्चा जो है ये एक इंजीनियरिंग मटीरियल है। लेकिन यही अगर बच्चे को मेडिकल लेके देनी है, बच्चे को डॉक्टरी पेशे में जाना है, तो सबसे पहले उसको सूरज अच्छा होने के साथ साथ उसका चंद्रमा भी अच्छा होना चाहिए। चंद्रमा अच्छा होगा तो वो इंसान हीलिंग प्रोफेशन में जा सकता है। अच्छा चंद्रमा इंसान को हीलर बनाता है। चंद्रमा के साथ साथ उसके बृहस्पति अच्छे होने चाहिए। बृहस्पति क्या है, बृहस्पति भी इंसान की हीलिंग में मदद करते हैं। किसी भी बच्चे के बर्थ चार्ट में सूरज, गुरु और चंद्रमा ये सही होंगे, ये बर्थ चार्ट के पांचवें घर से या दसवें घर से कनेक्ट कर रहे होंगे ना, तो ये बच्चा ना केवल डॉक्टरी की परीक्षा में पास होगा बल्कि एक बहुत ही कामयाब डॉक्टरी प्रोफेशनल बन सकता है। लेकिन यहीं अगर बिल्कुल इससे उल्टे योग होंगे तो आप लाख कोशिश करवा के देख लीजिए, बच्चा मेडिकल पढ़ जाएगा लेकिन कैसी मेडिकल पढ़ेगा, जो मेडिकल डोनेशंस देके होती है ना, ये बच्चा कॉम्पिटिशन ढंग से क्रैक कर पाएगा और ना ही ये बच्चा एक अच्छा सफल डॉक्टर बन पाएगा। तो आप जब भी बच्चे की सब्जेक्ट सिलेक्शन करें और आप बच्चे को इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रोफेशन लेके देना चाहें तो ये जो विशेष बिंदु है ना, इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब अगर बच्चा कॉमर्स में जाना चाहता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, वो सीएस करना चाहता है, वो कॉमर्स में कुछ भी आगे जाके करना चाहता है,
तो उसके बर्थ चार्ट में उसके बुध बहुत अच्छे होने चाहिए। सूरज जो है ये कॉमन फैक्टर है, सूरज जिसके भी बहुत अच्छे होंगे वो इंसान जीवन में प्रोमिनेंट होगा, कामयाब होगा, लेकिन पर्टिकुलरली किस फील्ड में होगा उसके साथ साथ जो अन्य ग्रह भी सूरज को सपोर्ट कर रहा होगा या अच्छा होगा, ये इतना ही सरल है। बुध जो है जिस भी इंसान के अच्छे होंगे, जिस बच्चे के बुध अच्छे होंगे और स्पेशली बर्थ चार्ट के दूसरे या पांचवें घर से कनेक्ट कर रहे होंगे, इस बिंदु को ध्यान से समझिएगा। फिफ्थ हाउस जो होता है वो आपकी रिसेप्टिविटी का घर होता है, बुद्धि का घर होता है, तभी फिफ्थ हाउस को विद्या का घर बोला जाता है। यहाँ पे बुध अच्छे से कनेक्ट कर रहे होंगे ना, तो ये बच्चा जो है कॉमर्स को बहुत अच्छे से कर पाएगा, स्टैट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएगा और कॉमर्स के फील्ड में आगे जाके बहुत ग्रो कर पाएगा। फिर आगे जाके कुछ और पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस होते हैं वो मैं अपने आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा, जब मैं करियर के ऊपर चर्चा करूंगा कि ये बच्चा कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है या कॉमर्स में कुछ बहुत अच्छा कर सकता है। फिलहाल अगर कॉमर्स लेके देनी है तो उसके बुध और पांचवें घर के कनेक्शन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और अब अगर बात करें आर्ट्स की, देखिए आर्ट्स में तो एक सतरंगी फील्ड होते हैं, आर्ट्स में बहुत सारे फील्ड होते हैं, फाइन आर्ट्स से लेके इकोनॉमिक्स तक, यानी एक रेंज हो जाती है फाइन आर्ट्स में। लेकिन यहाँ पे कॉमन जरूरी क्या है कि उस बच्चे का शुक्र बहुत अच्छा होना चाहिए। शुक्र अच्छा है तो ये बच्चा फाइन आर्ट्स के फील्ड में कुछ कमाल कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने लायक बात यह है कि चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, यहाँ पे बच्चे का फोकस रहना बड़ा ज़रूरी है, बच्चे का इंटरेस्ट रहना बड़ा ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों के अलावा कल को बच्चे ने अगर मार्केट में जाके जॉब करनी है तो उसका कंपटीशन वाले घर को सही रखना बड़ा ज़रूरी है। बर्थ चार्ट में जो छठा घर होता है ना, ये कॉम्पिटिशन्स का घर होता है। तो आप अगर बच्चे का करियर ही डिसाइड करना चाहते हैं ना, तो उसके सिक्स हाउस की ऊर्जा को चेक करिए। छठे घर की ऊर्जा अच्छी होगी तो ये बच्चा जो है यूपीएससी जैसी तैयारियां कर सकता है। बात अगर यूपीएससी की चली है ना, खाली छठे घर से बात नहीं बनेगी। यूपीएससी क्या है, आईएएस क्या है, ये भारत की सबसे उच्च श्रेणी की नौकरी है। ये वो नौकरी है जिसमें इंसान सीधा सीधा सरकार से कनेक्ट होता है। जितनी भी इंडिया की पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें आईएएस या यूपीएससी क्लियर लोग जो हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो रॉयल प्लैनेट्स कौन से हैं बर्थ चार्ट में, सूरज और चंद्रमा। ये प्लैनेट्स किसी के भी बहुत अच्छे होंगे ना, बिना किसी पाप प्रभाव के, तो उस इंसान के यूपीएससी क्रैक करने के योग जो हैं बड़े बुलंद होंगे। बच्चे का अगर शुरू से रुझान है ना कि उसने यूपीएससी क्लियर करनी है, उसने आईएएस आईएफएस लेवल का कुछ बनना है, तो उसके बर्थ चार्ट में उसके सूर्य चंद्रमा को चेक करिएगा। सूरज और चंद्रमा अगर बहुत अच्छे होंगे, और स्पेशली सूर्य चंद्रमा की राशियाँ कौन सी होती हैं, कर्क और सिंह राशि, ये भी बर्थ चार्ट में अच्छी होनी चाहिए। इनके दुश्मन ग्रह इन राशियों में ना बैठे हों, सूरज चंद्रमा खुद कमजोर ना हो, तो बिल्कुल बच्चे को डे वन से कह दीजिए कि दसवीं के बाद ही अपनी पढ़ाई भी करे और एक माइंड सेट बना ले यूपीएससी वाला, ये बच्चा अपनी पहली या मैक्सिमम दूसरी अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर जाएगा। ऐसा मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, बशर्ते कर्क और सिंह राशि बर्थ चार्ट में बिना किसी पाप प्रभाव के हो और सूरज और चंद्रमा एकदम से अच्छे बैठे हों। मैं जानता हूँ आज का वीडियो थोड़ा हैवी हो रहा है और ये ज़्यादा उन लोगों के लिए मददगार है जिनको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा ज्ञान है, फिर भी ये इतना मुश्किल नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करिएगा, इससे आप कोई भी बहुत गलत फैसला लेने से बच सकते हैं, इससे बच्चे का करियर जो है ना ये बड़ा स्ट्रांग हो सकता है। यूपीएससी केवल सूरज चंद्रमा के अच्छे होने से नहीं होता, यूपीएससी केवल सूरज और चंद्रमा के अच्छे होने से नहीं होता, आईएएस एक बहुत ही बड़े लेवल की जॉब है। यहाँ तक पहुँच के इंसान के जीवन में हर तरह की लग्जरी भी आ जाती है, हर तरह की अथॉरिटी भी आ जाती है। अथॉरिटी सूर्य चंद्रमा देते हैं लेकिन लग्जरी शुक्र देता है। तो अगर बनना है आईएएस तो आपको अपने बर्थ चार्ट में सूरज चंद्रमा के साथ साथ शुक्र को भी सही रखना होगा। तो चलिए हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन के। आर्ट्स की बात कर रहे थे, आर्ट्स में मैंने बताया था कि शुक्र अच्छा होना चाहिए, लेकिन आर्ट्स में आगे कई फील्ड हैं, जैसे कि सपोज करिए जर्नलिज्म का फील्ड है, जर्नलिज्म के लिए बुध और मंगल ये जिम्मेदार हैं, बर्थ हाउस का थर्ड हाउस जिम्मेदार है। अगर बच्चे के थर्ड हाउस के साथ बुध और मंगल कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसको आर्ट्स में मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म ले दीजिए, देखिएगा वो बच्चा किस तरह से ग्रो करता है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के बुध और गुरु एक साथ हैं, गुरु क्या है, गुरु है इंटेलिजेंस और बुध क्या है ज्ञान, अब इंटेलिजेंस और ज्ञान मिल गए ना, ये बच्चा एक बहुत ही कामयाब कोच ट्रेनर टीचर ये बन सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम अगर बच्चे के चार्ट को थोड़ा सा भी ढंग से देख लेना,
हमें तुरंत पता चल सकता है कि ये बच्चा जीवन में क्या करे कि ये अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ कर पाएगा, कौन से सब्जेक्ट को पकड़े कि ये बच्चा अपने साथ पूरा न्याय कर पाए और अपने करियर में पूरा चमक पाए। तो दोस्तों, ये था सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर एक छोटा सा नॉलेज शेयरिंग। मैं आशा करता हूँ कि इससे आप बच्चे की सब्जेक्ट सिलेक्शन को बड़ा ही सार्थक बना पाएंगे ताकि वो अपने आने वाले करियर में कुछ बहुत अच्छा कर पाए। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप उस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं, जो वीडियो था कि किस तरह से ग्रह जो हैं हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं, और आपने इतना प्यार दिया कमेंट्स में, आपने इतना ज़्यादा मुझे समर्थन दिया कि मैं अब संडे रात 8 बजे उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट लेके आ रहा हूँ। तो चलिए, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ, अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।